साहस सरोकार। महासमुंद की ओर बढ़ा सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तैयारियों में जुटा प्रशासन। भिलाई में दिखी डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, लापरवाही से मासूम बच्चे की गई जान। मनेंद्रगढ़ में कलेक्टर ने किया शहर का निरीक्षण, घूम रहे बच्चे का करवाया एडमिशन। बिलासपुर में युवती की लाश मिलने से मचा हड़कंप, पीएससी की तैयारी कर रही थी युवती। सरगुजा में कर्मचारियों ने की लंबित मानदेय देने की मांग, कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए महासमुंद के ग्राम किशनपुर में प्रोटोकॉल के अनुसार भेंट मुलाकात कार्यक्रम तय किया गया, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का मुआयना भी कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 23 नवंबर को होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद, इस जो ये मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? चूंकि आने वाले साल में 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, तो इसको लेकर भूपेश बघेल, जो की 4 मई से यहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, सारी विधानसभाओं में वो जाकर खुद आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं या फिर सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद वहाँ के लोकल जो भी नेता होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं उनसे वो भेंट करते हैं, बात करते हैं, बैठ के लेते हैं और वहाँ पे जो भी समस्याएं होती है, जो भी क्रियान्वयन को देखा जाता है, सभी की समीक्षा कर रहे हैं और सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं। इस तरह से करीब 40 विधानसभा अभी तक वो जा चुके हैं। तो इसी कड़ी में 23 नवम्बर को महासमुंद जिले के विधानसभा पिथौरा विधानसभा जाएंगे और जाकर आप किशनपुर गांव में जाकर भेंट मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जब भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है तो भारी संख्या में लोग जो कि वहाँ के आम जनता होते हैं वो पहुँचते हैं, क्योंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिलता है। तो सामने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर अपनी बातें रखते हैं, उनसे उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं, समाधान उनसे लेते हैं। तो इसी कड़ी में महासमुंद पहुँचने वाले हैं, तो बाकी अपडेट महासमुंद से आने के बाद ही मिल पाएगी। तो क्या कुछ तैयारियां हुई है महासमुंद में इसको लेकर? जी, वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को देखी जा रही है, साथ में जहाँ पर भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है उस जगह की सुरक्षा देखी जाती है, जगह का जमावड़ा देखा जाता है कि कितने लोग आ सकते हैं वहाँ पर। साथ ही वहाँ के जो विभाग है उन्होंने अपने अभी तक जो भी कार्य योजनाएं जो भी अब तक क्रियान्वित की है राज्य शासन की, उसे लेकर अपने आपस में समीक्षा की जाती है, ताकि मुख्यमंत्री जब उनसे सीधे तौर पर सवाल करे तो उनका जवाब विभागों के पास रहे, विभागों के अधिकारियों के पास रहे। तो इसको लेकर सभी में एक तरह से एक खौफ भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री खुद आकर उनकी क्लास लेते हैं, मुख्यमंत्री खुद आकर उनसे भेंट करते हैं, समीक्षा करते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जिस भी विधानसभा में जाते हैं या तो किसी को पदोन्नत करते हुए दिखते हैं या फिर सीधे तौर पर सस्पेंड भी करते, निलंबित करते हुए दिख जाते हैं अधिकारियों को। तो एक अधिकारियों में एक डर भी रहता है, साथ में आम जनता में खुशी की बात रहती है कि वह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते हैं, बात करते हैं उनसे। धन्यवाद मोहम्मद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सरगुजा के सूरजपुर बलरामपुर के बाल श्रमिक आश्रम के कर्मचारियों ने कलेक्टर और श्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 18 महीने का लंबित मानदेय देने की मांग की है।
दरअसल केंद्र सरकार ने जिले के श्रम कार्यालय से जानकारी मंगाई कि जितने बाल श्रमिक कर्मचारियों का मानदेय लंबित है उनकी जानकारी भेजी जाए। इसकी जानकारी लगते ही बाल श्रमिक आश्रम के कर्मचारी एकत्र हो गए और लंबित मानदेय संबंधित जानकारी तैयार कर कलेक्टर और श्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी ने बताया कि वर्ष 2014 से बाल श्रमिक आश्रम का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। सूरजपुर जिला से भैया थान के खोपा के अंतर्गत बाल श्रमिक आश्रम में कार्यरत हूँ। अच्छा। कार्यरत था और हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय में सरगुजा कलेक्टर कार्यालय में आए हैं और हम लोग को जैसे पता चला है कि दिल्ली से अन्य राज्यों में मानदेय दिया जा रहा है तो हम लोग भी हमारा भी लंबित मानदेय और हमारा भी लंबित मानदेय था लगभग 18 माह का। श्रीमती नीलम गुप्ता बाल श्रमिक आश्रम सरगुजा सीतापुर से और बाकी मेरे सह साथी। आज यहाँ पर किस लिए आए थे, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हम उनको प्राप्त सूचना मिला कि केंद्र शासन द्वारा श्रम विभाग में आया है कि कोई राशि आप लोग के बकाया है कि नहीं, तो हम सब सुने और यहाँ आए थे अंबिकापुर अपने श्रम मंत्रालय में, तो बोले कि हाँ हमको तो पूछा गया पर हमारे पास तो ऐसा कोई जानकारी नहीं था। हम लोगों ने बताया सर हम लोगों की तो 2014 से लेके छक्के दर्रीपार रोड स्थित घर में दिन दहाड़े घुसकर चाकू की नोक पर महिला से 72,000 रुपये लूट कर ली गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मैं रिपोर्ट दी कि इसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति नकाबपोश जो हेलमेट पहना था वो उसने इसे गले पे चाकू लगाकर कुछ पैसों की लूट की है, जिसके आधार पर हमने रिपोर्ट कायम की और रिपोर्ट कायम के बाद हमने पतासाजी पे अपने लग गए। पतासाजी के दौरान हमें मनोज श्रीवास जो आरोपी है इसके बारे में गतिविधि संदिग्ध लगी। जब इसको हमने फॉलो किया तो इसका पूर्व से ही जो प्रार्थी है उसे घर में आना जाना था, उसके गतिविधियों के बारे में उसे मालूम था, इसने उसे फॉलो किया। राजधानी रायपुर से जमीन खरीदने के काम से कोरबा पहुंचे युवक के साथ लूटपाट की गई, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में शिकायत करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक बाजार के कोरबी क्षेत्र में जमीन खरीदने आया हुआ था, जहाँ उसके साथ मारपीट करने के बाद मोबाइल बैग और वाहन लूट लिया गया। मनेंद्रगढ़ में कलेक्टर ने चिरमिरी भरतपुर का निरीक्षण किया तो वहीं निगम कमिश्नर को घूम रहे एक बच्चे प्रिंस का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए निर्देश भी दिए, जिसके बाद कलेक्टर मनेंद्रगढ़ के बस स्टैंड भी पहुंचे, साथ ही इलाके में गंदगी देखकर नाराजगी भी जताई। मनेंद्रगढ़ में मवई नदी अब अवैध रेत उत्खनन का कारोबार करने वालों का अड्डा बन गया है, तो वहीं प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से यहां दिन दहाड़े एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। साथ ही मशीनें लगाकर यहां से अवैध तरीके से रेत निकाला जा रहा है और ट्रक के जरिए यह रेत महंगे दर पर उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है। भिलाई में डॉक्टरों की लापरवाही से 10 महीने के बच्चे की जान चली गई, तो वहीं जांच के बाद 4 डॉक्टरों सहित 7 के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धि विनायक अस्पताल में परिजन बच्चे को सर्दी खांसी की शिकायत के बाद लेकर गए थे, जहां उसे भर्ती कर लिया गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इलाज में लापरवाही की शिकायत थाने में दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल गेट के पास जो बच्चे को 10 माह के बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसमें 31 तारीख को जो है इलाज के दौरान उल्लंघन के पश्चात बालक के शव का पंचनामा कराया गया है। पंचनामा उपरांत जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई 3 में सिद्धि विनायक अस्पताल में 10 माह की बच्ची जो है वो एडमिट थी, उसमें उसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, जिसमें CMHO द्वारा जो है एक टीम बनाकर
डॉक्टरों की टीम से जांच कराई गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया एक एलोपैथिक डॉक्टर, तीन आयुर्वेदिक डॉक्टर और तीन नर्स की जो लापरवाही के बाद सामने आई है, सातों लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत जो है वो FIR किया गया है। उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई आगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़ गए हैं। मोहम्मद, ये अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है प्रशासन इस पे? बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली भिलाई से। ये एक बच्चों का अस्पताल था, सिद्धिविनायक अस्पताल, जहाँ पे एक बच्चे को सर्दी खांसी की शिकायत के बाद में 27 अक्टूबर को उसके परिजन भर्ती कराने के लेकर आए थे। तो 3 दिनों के इलाज के बाद में 31 तारीख को करीब बच्चे की हालत फिर से खराब हुई। तो डॉक्टरों ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया था, बताया जा रहा के दौरान, जिसके बाद में बच्चे की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई और बच्चे की जान चली गई। तो अभी हाल फिलहाल में ही बच्चे परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ लापरवाही से इलाज को लेकर शिकायत दर्ज कराई पुरानी भिलाई थाने में। तो जिसके बाद में प्रथम दृष्टि से FIR होने के बाद में 4 डॉक्टरों और 3 अलग स्टाफ के, टोटल मिलाकर 7 स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद में जिला स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने भी अस्पताल की जो लाइसेंस होता है उसको रद्द कर दिया है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर जांच की जा रही है और अभी फिलहाल लाइसेंस रद्द ही है। तो जांच होने के बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी कि गिरफ्तारी की जानी या नहीं की जानी। फिलहाल 304 के तहत सभी आरोपियों पर अपराध दर्ज कर लिया गया। जी, ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद मोहम्मद। सरगुजा में लोग एक निजी संस्था KRTZ वर्ल्ड की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि शांतिपारा में स्थित एक निजी संस्था में अपने संस्था के डायरेक्टर सुनील तिग्गा के जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक के सैकड़ों असहाय लोगों और गरीब लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया, साथ ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। तो वहीं जन्मदिन मनाते हुए डायरेक्टर ने बुजुर्गों से केक कटवाया और बतौली के शांतिपारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया। हमारे प्रिय भाई माननीय श्री डायरेक्टर सुनील तिग्गा जी का जन्मदिन के अवसर पर हम सभी टीम उनके जन्मदिन के अवसर पर फुटबॉल प्रतियोगिता, सायला नृत्य कारमा का प्रोग्राम आयोजन किए थे और बुजुर्ग लोगों को कंबल का वितरण किया गया। ई-कॉमर्स KRTZ वर्ल्ड के ओनर डायरेक्टर सुनील तिग्गा सर का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में वो क्षेत्रीय आम जनता के साथ में अपने इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए आज इस शांतिपुरा तहसील कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने छोटा सा कार्यक्रम रखा था और फुटबॉल प्रतियोगिता था युवा जवानों के, और साथ में कर्मा, सैला नृत्य, क्षेत्रीय जो भी कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र के अपने कलाकार हैं उन सभी को हमने आमंत्रण दिया था और उन्होंने अपना यहाँ पर प्रदर्शन भी किया और जो अच्छा कला जिनका अच्छा था उनको प्राइज भी दिया गया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवती बिलासपुर में रहकर PSC की तैयारी कर रही थी। लाश मिलने की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच गई। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। प्राइम छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।